प्लस वन में फीस आपकी 1000 रुपए थी, मैंने 2500 फीस दी है प्लस टू में। हाँ प्लस टू में मैंने 2500 फीस दी आपकी, डबल से ट्रिपल फीस कर दी आपने मेरी स्कूल के बच्चे की। मैंने जब भी फीस दी आपको, मेरी भी फीस लेट हुई हो कोई बताओ, मेरा बच्चा पूरे स्कूल में टॉपर है, उसके नंबर इतने कम क्यों आए हैं? मेरे पास कोई फोन नहीं आया सर, आपने मेरे को कहते हो सीबीएसई में बात करो, नंबर आपने भेजे और मेरे को बोलते हो सीबीएसई में बात करूं, मैं सीबीएसई में कैसे जाऊंगा? आपने मेरे को बोला सीबीएसई में बात करो, मैंने आपसे फोन किया था, आपके मीटिंग में थे जब। मुझे टेंथ में थी, उसने यहाँ पे 95% नंबर लिए हैं पहले पिछले साल, उससे पिछले साल उसमें मेडिकल में, और पिछले साल हमारी नक्षिता थी गुड़िया और थी हमारी, उसने 82% नंबर लिए हैं कॉमर्स। स्कूल फीस की बात हो रही है, कोई स्कूल फीस को लेकर भी कोई विवाद चल रहा था? वैसे डबल कर दी थी फीस हमने, कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलो बच्चा पढ़ रहा है कोई बात नहीं, फीस भी हमने डबल दी है जी। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हरियाणा के करनाल से इस वक्त हम मौजूद हैं वीपी इंटरनेशनल स्कूल के ठीक बाहर, जहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि एक तरफ तो जहां प्लस टू का रिजल्ट आया, सीबीएसई प्लस टू का रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे इस वक्त खुशियां मना रहे, तो वहीं करनाल की एक बेटी है जिसका नाम प्राची है, अपने स्कूल के बाहर किस तरीके से रोने को मजबूर है, क्योंकि इनका भी यही कहना है और इनके माता पिता का भी यही कहना है कि प्राची के 9th में भी 90 अबव परसेंटेज रही है, 10th में भी अपने स्कूल की टॉपर रही है, प्लस वन में भी 90 अबव इनकी परसेंटेज रही है, लेकिन प्लस टू का जो आज इनका रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, उसमें इसके सिर्फ और सिर्फ 68% मार्क्स आए हैं। क्या पूरा मामला और क्यों ये यहाँ पर रो रही है, एक बार इन्हीं से जानकारी लेंगे। प्राची, क्या बताना चाहोगे, स्कूल के बाहर आकर रो रहे हो, क्या हुआ है? मैम ने ना मुझे 10 डेज पहले बोला था कि ना मैंने ना आपके इतने कम मार्क्स भेजे हैं 45 एंड ऑल, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने अपनी मम्मा को कहा, मम्मा से बात कराई, तो वो बोलते हैं कि ना कि भाई कुछ नहीं है ऐसा, आप सीरियस मत हो। और फिर नेक्स्ट डे मैम का कॉल आता है, मैम बोलते हैं कि प्राची आपकी कसम मैंने गलत लिस्ट देख ली थी, वो प्लस वन की लिस्ट थी, वो आपके मार्क्स नहीं थे, उन्होंने मुझे ऐसे करके बोला। फिर क्या कहते हैं, अभी मैम से बात हुई नीतू मैम से, तो नीतू मैम बोलते हैं, कौन से सब्जेक्ट के हैं वो, आर्ट्स के ज्योति मैम है, ओवरऑल आर्ट्स के हेड, ओवरऑल आर्ट्स के हैं नीतू मैम, वो बोलते हैं कि मैंने आपकी हाईएस्ट भेजे हैं पूरे स्कूल में। तो फिर अब ये आ रहे कि कम कैसे हो गए ना, मेरी एक फ्रेंड है उसके 75% आप क्लास के टॉपर है, प्लस वन में भी आप टॉपर थे, यस मैम, तो फिर 68% मार्क्स हैं, ऐसे कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए? सब में कम है, अकाउंट्स में 44, इको में 42 हैं, फिजिकल में 43 हैं, और इंग्लिश में 51 है, बिजनेस स्टडीज में भी 51 है। क्या लगता है कि स्कूल की तरफ से कम मार्क्स भेजे गए इसीलिए बोर्ड ने 68% दिया आपको? यस मैम, स्कूल की तरफ से कम मार्क्स भेजे, ऐसा क्यों लगता है कि स्कूल वाले क्यों कम भेजेंगे? मैम वो तो मैम, रिजल्ट आने के बाद आपकी मैम से बात हुई? हुई। क्या कहा? मैम बोलती कि मैं तो आपको एज अ मदर की तरह गाइड करती हूँ, मैंने नहीं भेजे, मैंने आपके अच्छे मार्क्स भेजे थे, पता नहीं लास्ट में मैंने रिजल्ट चेक नहीं करा तो पता नहीं कैसे हो गए। अब वो तो मैम को ही पता अंदर से क्या बात है, उन्होंने कैसे करा। क्या लगता है कि क्या वजह है इसके पीछे? मैम का है, मैम ने किया है। तो मैम पहले कुछ स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि मैंने आपके कम नंबर लगा दिया, आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया, उसके बाद बोल रहे हैं नहीं मैंने अच्छे ही भेजे हैं, कसम भी खा रहे हैं, क्या है ये? उन्होंने बोला कि मैंने आपकी ना मतलब मैंने गलत लिस्ट चेक कर ली थी जो कल देखी थी उन्होंने, वो बोलते मैंने प्लस वन वाली लिस्ट चेक कर ली थी, तो मैम बोलते हैं प्लस वन वाली लिस्ट देखी थी, तो मैंने ना अगले दिन अपने मम्मा को बोला कि मैम बोल रहे थे कि प्लस वन वाली लिस्ट देखी है, उन्होंने मेरी कसम भी खाई है, मैम झूठ नहीं बोल रहे। तो ये कहना है कि प्लस वन में भी आप टॉपर रही हैं, 90 अबव परसेंटेज, अगर प्लस वन का भी देखें, 10th का भी देखें, 9th का भी चलो देख लें अगर, तो भी इतने कम परसेंटेज तो नहीं बनते ना, तो फिर किस बेस पे इन्होंने मार्क्स दिए, यही तो पूछना चाहते हैं हम भी कि किस बेस पे। क्या आप पापा हैं? मैं इनका पापा बोल रहा हूं मैम। क्या नाम है मैम इस बच्चे? मेरा नाम पवन कुमार बत्रा जी, मैं जुंडला से बोल रहा हूं मैं। तो मेरा बच्चा जुंडला सा मैम, मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है प्लस टू में कि मैं दिन रात इसने मेहनत की है, मैं कहता हूँ 95-97 इसके मार्क्स आएंगे, पेपर भी ले लो इसके, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है। और इस मैडम, एक मैडम ने इसने साथ जेलसी की, मैडम ज्योति मैडम है, उसने बहुत जेलसी की इसके साथ थी, और मेरे से बात करी, अब ये भैया मेरे से गलती हो गई है, ये हो गया है,
ऐसे किस बात की सर, एक टीचर के लिए तो सभी बच्चे एक समान। कई बार बच्चों का जलता मैडम कुछ किसने सोल्व करवाते थे सब। मैम बच्चा इतना टॉपर, मैडम इससे पूछती भी ये क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब इतना बच्चा टॉपर था मेरा। तो सर आपको नहीं लगता ये जो ऑनलाइन पहले तो स्टडी हुई है उसके बाद एग्जाम नहीं हुई उसका कहीं ना कहीं नुकसान काफी बच्चों को मैं कहता हूँ पेपर होने चाहिए सर। मैंने को तो ये था मेरे बच्चे का पेपर होता, मेरा बच्चा टॉप होता जी पूरे उसमें जी, करनाल डिस्ट्रिक्ट में टॉप में आता मेरा बच्चा जी। मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की थी मैम, और मेरे को इतना दुख आ रहा है बच्चा उस टाइम का, रो रो के बुरा हाल है जी। मैं इनकी दूसरी ब्रांच में भी गया हूँ, वहाँ भी नहीं मिला कोई, इस ब्रांच में आऊँ यहाँ भी कोई नहीं मिला मेरे को। आप पेरेंट्स हैं, आपकी स्कूल टीचर से बात हुई है? मैडम मैंने दोनों मैडम से बात की है उनकी, नीतू मैडम से। हाँ मैडम के दोनों मैडम, नीतू मैडम का मेरा नंबर है, ज्योति मैडम का नंबर है, प्रिंसिपल का नंबर है, आपने प्रिंसिपल से उसका नंबर भी है मेरे को, प्रतीक डायरेक्टर का नंबर। प्रिंसिपल मैम से बात कर लो या फिर हमारे सामने बात कर लो आप। डायरेक्टर से बात करी थी मैंने जी, वो कहता सीबीएसई में बात करो, उसने मेरे से बात भी नहीं, फोन काट दिया जी। आप सीबीएसई तक कैसे जाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को कहता सीबीएसई से बात करो। हाँ जी, जो डायरेक्टर है स्कूल के उनसे एक बार बात होगी और जानेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया कि प्राची है, आप देख सकते हैं रो रो कर बुरा हाल है। जब से सुबह से रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चे इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, जिन बच्चों ने पढ़ाई तक नहीं की थी वो भी बच्चे इस साल पास हो गए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने टॉप करनी थी वो बच्चे इस वक्त किस तरीके से रोते हुए नजर आ रहे हैं। सर अभी बिजी चल रहा है नंबर, बिजी चल रहा है। मैम क्या आपका क्या नाम है? प्राची की माँ है जी, मामा प्राची की मम्मी हूँ जी। क्या हुआ है? बस जी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था स्कूल में, उसने टीचर से मेरी बात हुई, टीचर कहने लगी आप आगे, उसको मन में डर पैदा हो गया अभी कभी ये स्कूल में ना आ जाए सीधे। हाँ जी सर मैं आपके स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। हाँ जी हेलो, हाँ जी सर मेरी बात सुन। हाँ जी हाँ जी बोलो। मेरे पास कोई फोन नहीं है सर, आपने मेरे को कहते हो सीबीएसई में बात करो, नंबर आपने भेजे और मेरे को बोलते हो सीबीएसई में बात करूं, मैं सीबीएसई में कैसे जाऊंगा? आपने मेरे को बोला सीबीएसई में बात करो, मैंने आपसे फोन किया था, आपके मीटिंग में थे जब। मैं आपके स्कूल के बाहर खड़ा हूँ, मैंने आपसे बात की घर पे, आपने अपने घर से बात की थी, आपने बोला मेरे को नहीं पता सीबीएसई में बात करो, नंबर आप भेजते हो सीबीएसई में बात करूंगा मैं सर। गुस्से में मैम सर मेरे को पता ना मेरे बच्चे ने कितना काम कर रखा है, वो बेचारे का नंबर रो रो के बुरा हाल है, उसकी वीडियो कॉल करो आप देखो उसको क्या हाल हो है। आप बताओ ना कैसे इलाज निकलेगा मेरे को, मेरे बच्चे का इलाज बताओ कैसे निकलेगा। प्रिंसिपल का नंबर दो ना मेरे को, मैं प्रिंसिपल से बात करूँ जी, प्रिंसिपल का नंबर भेजो, व्हाट्सएप करो मेरे को, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ जी कॉल करवाओ मेरी प्रिंसिपल से, कॉल करवाओ मेरी। सर मैंने फीस टाइम पे दी आपकी, प्लस वन में फीस आपकी 1000 रुपये थी, मैंने 2500 फीस दी है प्लस टू में। हाँ प्लस टू में मैंने 2500 फीस दी आपकी, डबल से ट्रिपल फीस कर दी आपने मेरी स्कूल के बच्चे की, मैंने जब भी फीस दी आपको मेरी भी फीस लेट हुई हो कोई बताओ, मेरा बच्चा पूरे स्कूल में टॉपर है, उसके नंबर इतने कम क्यों आए हैं? हाँ पूरा टॉप है मेरा बच्चा स्कूल में, जिसका इलाज करो जी। हाँ जी कराओ फटाफट कराओ। क्या बात हुई है सर अब आपकी? मेरी से बात हुई, आपकी समस्या, प्रिंसिपल का फोन आएगा आपके पास, मैं आपकी सोल्व कराता हूँ जी। तो सर सीबीएसई में आप कैसे जा सकते हैं? आप तो स्कूल से कांटेक्ट करेंगे ना? हाँ जी मैं स्कूल से कांटेक्ट करूंगा, सीबीएसई में मैं जा नहीं सकता। सर पहले भी आपकी बात हुई थी उस टाइम भी ये बोले थे कि सीबीएसई में बात करो, फोन काट दिया सीबीएसई ने। करो प्रिंसिपल का आपके पास नहीं, प्रिंसिपल के पास फोन नहीं आया मेरे को। तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ी गुड़िया 10th में थी, उसने यहाँ पे 95% नंबर लिए हैं पहले पिछले साल, उससे पिछले साल उसमें मेडिकल में, और पिछले साल हमारी नक्षिता थी गुड़िया और थी हमारी, उसने 82% नंबर लिए हैं कॉमर्स में। स्कूल फीस की बात हो रही है, कोई स्कूल फीस को लेकर भी कोई विवाद चल रहा था? विवाद नहीं है, उन्होंने वैसे डबल कर दी थी फीस, हमने कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलो बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है कोई बात नहीं, फीस भी हमने डबल दी है जी। सबसे पहले लास्ट बच्चा था हमारा, इनके स्कूल में दो बच्चे पहले हमारे पढ़ चुके, तब इन्होंने फीस कम रखी, इसकी फीस कम रखी हुई थी लास्ट टाइम, इन्हें कहने लगे हम 1200 से 2500 रुपये फीस लेंगे, हमने इनको 2500 फीस दी है लास्ट टाइम, इन्होंने फीस बढ़ा दी एकदम, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से हमने पूरी फीस दी इनको। टीचर से कोई विवाद था? टीचर से कुछ विवाद नहीं था, टीचर तो बहुत वैसे बहुत अच्छी इसके साथ बिहेव करती थी टीचर, इसके साथ डेली फोन करना, मतलब डेली बात हो जाती थी उनसे, और क्लास में भी मैम मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव करते थे। मुझे ये हो रहा कि उन्होंने मेरे मार्क्स क्यों कम भेजे, उन्हें पता था मेरा लेवल क्या है, तो वो मेरे मार्क्स क्यों कम भेज रहे हैं ना, मुझे उनसे ये जानना है आगे क्या करना है। प्लस टू के बाद क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या कहां जाना मिलेगा, कौन से कॉलेज में एडमिशन कहां मिलेगा ना, मुझे 68% में कहां एडमिशन मिलेगा, 68 से क्या एडमिशन मिलेगा, कौन सा कॉलेज एडमिशन देगा इसको, ये भी तो बताओ ना आप लोग। और दो बच्चे हमारे पहले भी इनके स्कूल से गए हैं, अब इस बच्चे का 68 दे रहे हैं मैडम, इसके 95% है मेडिकल में, पिछले साल गुड़िया 82 लेके गई है, देख सकते हैं
कि प्लस टू के रिजल्ट के बाद ही बच्चे का सही बेस तैयार होता है, उसकी परसेंटेज के हिसाब से अगर बच्चे ने दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो कॉलेज में एडमिशन लेता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं करनाल की बेटी है प्राची, वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बाहर खड़ी होकर दिन के टाइम पर यहाँ पर रोने को मजबूर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले सीबीएसई प्लस टू का रिजल्ट आया और रिजल्ट में जो नंबर थे जो इन्होंने सोचे थे उसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि शायद मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही अपने स्कूल की टॉपर होंगी, लेकिन जो मार्क्स आए हैं वो 70% के आसपास आए, जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि अब किसी भी अच्छे कॉलेज में इनका एडमिशन नहीं हो सकता। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।